deficiency symptoms of essential elements. इसमें जो डेफिशिएंट सिम्टम्स होते हैं कुछ बहुत ही कॉमन होते हैं, सो वी विल डिस्कस द कॉमन वंस फर्स्ट. ओके, द फर्स्ट इज क्लोरोसिस. आई विल एक्सप्लेन यू द टर्म्स. नेक्रोसिस इज द सेकेंड वन. उसके साथ देयर इज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ. प्लस लास्ट वन जो होता है डिले इन फ्लावरिंग. डिले इन फ्लावरिंग. ओके, तो बिफोर आई स्टार्ट आई विल एक्सप्लेन कि इन सब का मतलब क्या होता है. क्लोरोसिस, तो अगेन हम वर्ड्स को ब्रेक करेंगे. क्लोर मतलब क्लोरो, क्लोरो इज अ कॉमन वर्ड फॉर ग्रीन, क्लोरोफिल, और सिस टू ब्रेक. तो ये होगा कि जो क्लोरोफिल होगा वो आइदर प्रोड्यूस नहीं होगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो ग्रीन कलर है उसका लॉस हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वी कम टू नेक्रोसिस. नेक्रोस, नेक्रोस जो होता है दैट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है डेड, नेक्रोस. तो नेक्रोसिस दैट इज डेथ ऑफ टिश्यूज और सेल्स अराउंड अ पर्टिकुलर प्लेस. इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ जो होती है आइदर स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है या ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, तो दैट इज नोन एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ. डिले इन फ्लावरिंग, जैसे नॉर्मली लेट्स से कोई प्लांट है जो ऑटम के मतलब जो स्प्रिंग के टाइम फ्लावरिंग होनी चाहिए उसमें, बट क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उसे मिले ही नहीं, सो इट विल नॉट फ्लावर इन स्प्रिंग, इट मे नॉट फ्लावर एट ऑल. जब तक उसे न्यूट्रिएंट ना मिले वो अपना लाइफ साइकिल क्योंकि कंप्लीट नहीं कर सका, इसलिए वो फ्लावरिंग कंप्लीट नहीं कर पाएगा. देर इज अनादर टर्म जिसके साथ एवरी वन गेट्स अ बिट कंफ्यूज, that is chlorosis and etiolation. So I'll explain you this term, etiolation. Etiolation तब होता है जब आप एक प्लांट को बहुत दिनों के लिए किसी डार्क रूम में रख दो, तो जो प्लांट है वो पेल पड़ जाएगा, उसके कलरेशन जो होगी व्हाइटिश येलोइश वैसी हो जाएगी. सो दिस फेनोमेना इज नोन एज इटियोलेशन. बट इट्योलेशन इसलिए नहीं हो रहा कि इसमें कोई डेफिशिएंसी होगी, इसलिए हो रहा है क्योंकि सनलाइट इसे नहीं मिला. बट जो क्लोरोसिस है, क्लोरोसिस इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस. सो यू मस्ट नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन इट्योलेशन एंड क्लोरोसिस. इट्योलेशन इज ड्यू टू अ डिफरेंट फैक्टर ऑल टुगेदर, और जो क्लोरोसिस है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से है. ये जो है इट्स ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल. ड्यू टू येलोइंग ऑफ लीव्स.
ओके, तो इसे कहते हैं क्लोरोसिस. व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरोसिस? एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल इज जिंक, मॉलिब्डेनम, एफी, पोटेशियम, सल्फा. अदर देन दिस वी हैव नाइट्रोजन, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इवन इफ एक भी कोई मिसिंग हो जाए, देर वुड बी क्लोरोसिस, या सब मिसिंग हो जाए तो क्लोरोसिस होगा. सो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि जब आप एक प्लांट को देखो उसमें क्लोरोसिस हुआ है, कि आप एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली बता सको कि ओके, इस प्लांट में बस एक एलिमेंट की कमी है. आइदर उसमें बस किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट की कमी हो सकती है, या उसमें सारे एलिमेंट जो हैं वो सॉइल में मिसिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स उसके हैं. नेक्स्ट वी मूव टू नेक्रोसिस. नेक्रोसिस मीन्स डेथ ऑफ टिश्यूज. डेथ ऑफ टिश्यूज, पर्टिकुलरली लीफ के टिश्यूज जो हैं. पर्टिकुलरली लीफ टिश्यूज जो है उसमें नेक्रोसिस यूजुअली सीन. ओके, तो किस चीज के डेफिशिएंसी की वजह से हुआ होगा? द मोस्ट कॉमन और जो हमने एग्जाम्पल करा था वो है कैल्शियम. कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से, कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से एंड पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से. सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अगर वो ही ना हो तो सेल डिविजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सो देर इज डेथ ऑफ टिश्यूज. एंड कॉपर एंड पोटेशियम ऑल्सो, अगर वो भी मिसिंग हो तो नेक्रोसिस हो सकता है. यहाँ पे यू कैन सी कि अगर मैग्नीशियम एब्सेंट हो तो यू विल गेट क्लोरोसिस एज वेल एज नेक्रोसिस. तो यू कैन से कि ऐसे कोरिलेट, जैसे कोई पजल होता है ना, आप बिग पिक्चर तब देख सकते हो जब आप सारे पीसेस को एक साथ जोड़ो, वैसे ही आप सारे सिम्टम्स को जब एक साथ मैच करो कि ओके, दिस सिम्टम इज शोन एक्सक्लूसिवली फॉर दिस एंड नेक्स्ट सिम्टम जो है वो भी इसकी वजह से, देन यू कैन लाइक पिन पॉइंट कि अच्छा, ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रखी है प्लांट को. नेक्स्ट इज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ. इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ इज ड्यू टू लो लेवल ऑफ, इट इज ड्यू टू लो लेवल ऑफ एन के एस एंड एमओ, दैट इज नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम की वजह से देर इज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ रुक जाती है. डिले इन फ्लावरिंग. हमने पोलन ट्यूब के बारे में बात करा था, तो इसका एक तो बड़ा कॉमन होगा, दैट इज नाइट्रोजन, सल्फा एंड मॉलिब्डेनम. नाइट्रोजन, सल्फा एंड मॉलिब्डेनम. सो यू कैन सी कि नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम से डिले इन फ्लावरिंग भी हो रही है उनके लो कॉन्सेंट्रेशन से. उनके लो कॉन्सेंट्रेशन से इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ भी हो रही है. इवन लेट्स से सल्फर के डिफ्यूजन से क्लोरोसिस भी हो रहा है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट एट अ वेरी स्पेसिफिक डिजीज एंड से कि इट्स बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर जो एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट.